आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की टिक्की, जिसको मैंने बनाया है समा की चावल और आलू से। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बनता है, और बनाना तो इतना आसान है कि जब भी आपका मन करेगा तब आप बना के खा सकते हो, और इसको बच्चे भी दौड़ दौड़ कर मांग मांग कर खाएंगे, ये इतना टेस्टी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, मेरे किचन रेखास फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए हमें ले लेना है यहाँ पे समा का चावल। ये समा का चावल है, ये व्रत में खाया जाता है, तो इसको लेकर हमें 3 से 4 बार अच्छे से पानी से हमें धो लेना है। इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में, क्योंकि इसको हमें पकाना है, इसको चावल के जैसा बनाना है। तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में, और 1 कप हमने यहाँ पर राइस लिया है, समा का चावल लिया है, तो 2.5 कप हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब चावल हमारे खिले खिले बने और चिपके नहीं, इसके लिए हम डाल देंगे यहाँ पर 1 छोटा चम्मच घी, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको 1 सीटी आने तक पका लेंगे। सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और स्टीम निकलने के बाद ही कुकर को हम ओपन करेंगे। और ये देखिए, चावल हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए स्टिकी लग रहा है, जैसे ही ठंडा होगा ये चावल के दाने बिल्कुल खिले खिले से दिखने लगेंगे। तो चलिए, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ तैयारी करते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए हमें ले लेना है 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू को लेकर हमें ग्रेटर से ग्रेट कर देना है। अगर हम हाथों से मैश करके डालेंगे तो हो सकता है इसकी जो गुठलियाँ बड़े बड़े रह जाएं, और जब हम टिक्की बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए ग्रेटर से ग्रेट करें ताकि ये अच्छे से बारीक सा ये किस जाए। तो ये देखिए, आलू को हमने अच्छे से यहाँ पर किस लिया है, और ये अच्छे तरह से मैश भी हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप उबला हुआ हमारा समा राइस, उसके साथ ही डाल देते हैं हरी मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ अदरक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, और उसके साथ ही डाल देंगे इसमें टेस्ट के लिए 3 छोटे चम्मच मूंगफली, जिसको हमने हल्का सा मतलब कि ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, हल्के से दाने भी दिखे वैसा पीसना चाहिए। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है 1/2 नींबू का रस, और सबसे लास्ट में डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया। हरा धनिया की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इन सबको डालकर हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी पहुंच सके और वो भी मेरी रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सके। तो ये देखिए, हमने अच्छे से सबको मिला लिया है, अब हमें इसकी टिक्की बनाना है। तो टिक्की बनाने के पहले हाथों को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, और अब इसको टिक्की का शेप दे देंगे। मैं यहाँ पर गोल करके थोड़ा सा चपटा करके टिक्की का शेप दे रही हूँ, आप अपने इच्छा के अनुसार कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब शेप देने के बाद इसको हम थोड़ा सा कोट कर लेंगे सिंघाड़े का आटा में या फिर रजगिरे का आटा में, किस जो भी आपके पास हो उसमें हल्का सा कोट कर लेंगे। अब इसको हमें सेलो फ्राई करना है, तो सेलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया है। अब सारी टिक्की को डालकर हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप व्रत में कभी भी चाहे तो बना के खा सकते हैं, वैसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ व्रत में ही खाया जाए। और वैसे भी ये मिलेट्स है, मिलेट्स तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक ही होता है, इससे को खाने से कोई हानि नहीं है। और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा तवे में ग्रीस करके भी तेल को सेक सकते हैं। और इसको सेलो फ्राई करते समय हम आँच को मीडियम पे ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। और वैसे भी ये टोटल पका हुआ है तो ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारा चावल भी पका हुआ है और आलू भी उबला हुआ है, इसलिए ये बहुत जल्दी बन जाता है। और ये देखिए, ये रेडी हो गया है, तो इसको अब हम निकाल देते हैं।
तो दोस्तों इस नवरात्रि आप इसको बना कर देखिए, साबूदाने का वड़ा बनाना भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी लगता है और इतना आसान है बनाना। आप हर दिन नौ दिन का व्रत है ना, तो 9 दिन बनाकर इसको खाना पसंद करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं होता है, ये खाने में लाइट होता है। तो आप भी बनाइए, बनाकर इंजॉय कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।